मैं भी थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हूँ, आप विद्वान हैं संविधान पे, पर मैं बड़े सम्मान से इस बात को कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के महाधिवेशन में जो 1929 में लाहौर में हुआ था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, और मैं आज भी कहूँगा माननीय सदस्यों को कि वो उद्घोषणा जो लाहौर में हुई थी, वो हर भारतीय के लिए पढ़ना आवश्यक है कि क्या उस वक्त की भावनाएं थी, क्या तकलीफ देश की थी, और कितनी हिम्मत के साथ ये आवाज़ उस दिन उठी थी। आज शायद ये दो शब्द होंगे, पर अंग्रेजों के शासन में जहां आवाज़ को, आज़ादी की आवाज़ को कुचला जा रहा था, उस समय ये कहना, इसकी घोषणा करना और उसको आगे लेकर चलना एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद मेरे साथ बाजू में बैठे हैं प्रसन्ना आचार्य जी, कांग्रेस का सेशन हरिपुरा में भी हुआ, उस बात को आगे बढ़ाया गया। सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्षता करी, कांग्रेस ने झंडा कमेटी बनाई, संविधान कमेटी बनाई, और जब संविधान सभा बनी, ये तमाम भावनाएं उसमें प्रतिबिंबित हुई कि भारत के नागरिकों के लिए, भारत के लोगों के लिए, जो सदियों से शिकार हुए थे एक ऐसी व्यवस्था का, चाहे वो कॉलोनियलिज्म की थी, साम्राज्यवाद की थी, जहां उनको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं था, उनको सही माने में एक प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंदर वो अवसर मिले कि इस देश के निर्माण में वो बराबर के भागीदार बने। विशेष तौर पे जो पहले सभापति की आज माननीय सभापति जी ने चर्चा करी, डॉक्टर राधाकृष्णन जी की, उन्होंने इस सदन के महत्व के बारे में बताया, और एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका जो भारत के संविधान की रचना में, निर्माण में, डॉक्टर गोपाल स्वामी अयंगर की रही, जहां हम डॉक्टर अंबेडकर जी को याद करते हैं, सम्मान के साथ स्मरण करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने अध्यक्षता करी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समिति के ही, जैसा मैंने बताया कि उन्होंने अध्यक्षता करी थी, साथ साथ डॉक्टर गोपाल स्वामी अयंगर। और अगर हम अपने संविधान को देखें, संविधान दिन की बात है, और इसकी उद्देशिका को देखें, प्रियम्बल को, तो मैं आज के दिन ये कहना आवश्यक समझता हूँ कि एक प्रस्ताव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा गया था, एक रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को, वो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन था कि कैसा देश बनेगा, क्या हमारी कमिटमेंट होगी, प्रतिबद्धता होगी कि उसमें समता होगी, समानता होगी, न्याय होगा, जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय होगा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को यह प्रस्ताव रखा था 1946 में, और वही प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन भारत के संविधान की उद्देशिका में है, प्रियम्बल में है। मैं समझता हूं आज की पीढ़ी को ये जानना जरूरी है, आज की पीढ़ी को याद करना जरूरी है। हम कृतज्ञ हैं तमाम उन महान नेताओं के जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, और वो एक वचन जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने प्रजातंत्र के प्रति दिया था, एक समर्पित भारत के, हम उनको कृतज्ञता से याद करें आज के दिन। चर्चा कई मित्रों ने करी गोपाल स्वामी अयंगर जी की, तमाम बातें तो मैं नहीं दोहराता, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, अन्य माननीय सदस्यों ने कहा, पर एक बात मैं थोड़ा ज़रूरी समझता हूँ कहना, कि अगर गोपाल स्वामी अयंगर जी ने दो सदनों की बात कहते हुए ये कहा कि क्या, किस लिए ये आवश्यक है, एक तो हमारी संघीय प्रणाली, एक विविधता इस देश की, जबान की, धर्म की, सांस्कृतिक विशेषताएं, अलग अलग राज्य की, उनकी एक पहचान है, चाहे हम बंगाल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, पंजाब की बात करें,
एक विशेषता, इतिहास, हर भाषा का एक अपना इतिहास है। इस देश में ये देश एक है, पर ये एक तभी रहता है, तभी मजबूत बनता है जब हम इसकी डाइवर्सिटी को, इसकी विविधता को सेलिब्रेट करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। अगर भारत की इस विविधता को हम सम्मान नहीं करते, कहीं उसमें कहीं कोई कमजोरी आ जाती है तो ये देश कमजोर होता है, देश की एकता कभी मजबूत नहीं हो सकती। पर उन्होंने ये भी कहा था कि यहां पे चर्चा हो, चर्चा ऐसे स्तर की हो जिससे देश को प्रेरणा मिले। मुझे याद है जब मैं इस सदन के अंदर आया था, मैंने इसमें सदन में बड़े बड़े उस समय के महान नेताओं को देखा, हमने उनसे कुछ सीखा भी, हम तो नए आए थे। मैं उधर बैठता था, कुछ दिनों के बाद यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, लाल कृष्ण अडवाणी जी थे, संसदीय परंपराओं के बारे में हमने अडवाणी जी से बहुत सीखा, किस तरह उनका व्यवहार था, कैसे वो बात को रखते थे। यहाँ जानेश्वर मिश्रा थे, चतुरानंद मिश्रा थे, तमाम लोग जिनका बड़ा अनुभव था, हम उनको बारीकी से देखते थे, कम से कम मैं जरूर, मेरे और भी साथी। और हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं गया जब कोई चीज़ नई ना दिखी हो, जो हमने पढ़ा भी उससे भी आगे बढ़ के सीखने को हमको मिला। पर जो अयंगर जी ने कहा था कि इस सदन के अंदर जहाँ चर्चा का स्तर ऊंचा रहे, यहाँ पे विद्वान लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, राज्यों के प्रतिनिधि हैं, राज्यों के अधिकारों की रक्षा करने, उनकी बात कहने, उनकी आवाज़ उठाने यहाँ पर आए हैं, पर साथ के साथ डिले लेजिस्लेशन, एग्जैक्ट वर्ड्स आर डिले लेजिस्लेशन विच माइट बी द आउटकम ऑफ पैशंस ऑफ द मोमेंट एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द सीजन पीपल हु माइट नॉट बी इन द थिकेस्ट ऑफ पोलिटिकल फ्रेम। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा उसका क्या लाभ है, क्यों कहा गया, क्योंकि आज उसको एक दूसरे परिपेक्ष में देखा जा रहा है। माननीय आनंद जी बस सर बताने, मुझे मालूम है, मुझे मालूम, मुझे सब मालूम, हमको अपना समय भी मालूम, मुझे मालूम, आप ले लें, आपके पास मुझे मालूम है, मैं मेरा पहले पिछले सदन का अनुभव है, सत्र का, कृपा करके फिर वो ना हो, ना ना वो नहीं, बात नहीं, जस्ट याद दिला रहा हूं। जो मैं कह रहा था, क्योंकि माननीय उपसभापति महोदय, जब लय में बात कही जाती है व्यवधान अच्छा नहीं लगता, तो आज जब ये कहा जाता है राज्यसभा के संदर्भ में कि राज्यसभा बाधा डालती है, ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट है, हालांकि माननीय हमारे पूर्व नेता सदन ने, जिन हमारे मित्र भी थे, आज हमने उनको याद किया, अरुण जेटली जी को, जब वो नेता प्रतिपक्ष थे उन्होंने इसको उचित बताया था, और मैं, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है कि कई बार उन्होंने कहा था कि प्रजातंत्र का हिस्सा है ये, कैसा, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल टू द ऑपोजिशन। मेरा ये माने नहीं कि आज के दिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम बाधा डालेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे, व्यवधान करेंगे, मैं उस दृष्टिकोण से ये बात नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा हूँ कि अगर इस सदन में और यहाँ के माननीय सदस्यों ने कोई मांग करी, मैं आज के नहीं बरसों तक, कि कोई कानून जब बनता है, नया बिल लाया जाता है, हर बिल वो किसी भी विषय से संबंध रखता हो, वो भारत के लोगों को, हर नागरिक को, आज की तारीख में 134 करोड़ भारतीयों को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करता है। इस दी मास ऑफ आर पीपल हु आर अफेक्टेड डायरेक्टली बाय द लॉज दैट आर इनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट, वेदर यू आर डीलिंग विद द एयर एक्ट, वेदर यू आर डीलिंग विद द मोटर व्हीकल एक्ट और द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच मे हैव बिकम नेसेसरी, वी कैन नॉट ओवरलुक द फैक्ट दैट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री डिमांड्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी That no bill is passed in haste. अगर कहीं दूसरे सदन में सरकारों का, जिनका सत्ताधारी दल का अगर बहुमत होता है,
और कोई बिल पास हो जाता है बिना चर्चा के, लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी के, बिना जांच परख के, बिना स्टैंडिंग कमेटी के, बिना किसी संयुक्त समिति के, ज्वाइंट कमेटी के, तो इस सदन का कर्तव्य बनता है, अधिकारी नहीं, कर्तव्य बनता है कि अगर हम अंबेडकर जी का जो उन्होंने कहा था, मेरे पास उनकी भी कही हुई बातें हैं राज्यसभा के बारे में, जैसा मैंने गोपाल स्वामी अयंगर जी का कहा, अगर हम उनका सम्मान करते हैं तो सही सम्मान यह होगा कि जो उन्होंने कहा है उस पर अमल भी करें, कोई कानून बने, जांच परख हो, यह कोई विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। अगर कोई बिल आता है, हर बिल पे तो हम नहीं कहते, आप भी विपक्ष में थे, हर बिल पे कोई नहीं कहता कि इसको भेज दो, पर बहुत बिल हैं, कानून बनने से पहले उनकी जांच परख होनी चाहिए। जल्दबाजी में हिंदुस्तान में कोई बात नहीं होनी चाहिए, संसद में ना ही कोई कानून बनना चाहिए, ना कोई कानून बदला जाना चाहिए, ना संविधान हमारा आईन बदला जाना चाहिए, यह हमारी जिम्मेवारी भी बनती है, क्योंकि हम इस संविधान की शपथ लेकर केवल सत्ता पक्ष ही नहीं, हर सदस्य संविधान की शपथ लेकर सदन के अपनी जगह ग्रहण करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मुखिया थे, उन्होंने एक बात कही थी कि इसी सदन के बारे में, तो केवल दो लाइनें पढ़ूंगा, कि काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द यूनिट्स ऑफ फेडरेशन इन फैक्ट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इन अ मोर फंडामेंटल एंड डीपर सेंस द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री एज एक्सप्रेस थ्रू इट्स मेनी स्टेट्स एंड डाइवर्सिटीज ऑफ कल्चर्स रिलीजन्स लैंग्वेजेस एंड कस्टम्स। वही विविधता जिसका डॉक्टर अंबेडकर ने भी जिक्र किया, वही सदन में हमको दिखती है। आज हम ये चीज देखें कि सदन अपनी जो कर्तव्य है उसका निर्वाहन सच्चे मन से करे, प्रतिबद्धता से करे। दोनों सदन, आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, अच्छा लगा, उन्होंने वाजपेयी जी को कोट किया कि सेकेंडरी हाउस नहीं है, सेकेंड हाउस नहीं है। आज मैं एक चीज और कहूंगा बड़े सम्मान के साथ सबके लिए, ये अपर हाउस भी नहीं है। कई जगह देशों में, कई प्रजातंत्र में अपर हाउस कहा जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, मनोनीत लोग आ जाते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर सारे के सारे होते हैं, चुनके आते हैं राज्यों के द्वारा, और इसीलिए इसका एक विशेष स्थान हमारे संविधान और हमारी संसदीय प्रणाली में है। और पंडित जी ने कहा था, कुछ बातें और सदस्यों ने कही, उनको नहीं दोहराऊंगा, दैट नाइदर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट वॉज सुपीरियर टू द अदर एंड दैट ईच हाउस हैड टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शंस अलॉटेड टू इट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, अनकोट। अंत में मैं ये कहूंगा कि आज के दिन जब ये चर्चा हुई, 26 तारीख को एक और दिन आएगा जब वो रिपोर्ट पेश की गई थी 26 नवंबर को, बेहतर होगा इस सदन के अंदर और सदन तय कर ले, विस्तृत चर्चा भारत के संविधान पे होगी और हम अपने आप को पुनः समर्पित करें, उस प्रतिबद्धता को दोहराएं जो 26 जनवरी 1950 को जब भारत रिपब्लिक बना था, गणराज्य बना था, जब संविधान लागू हुआ था, हम उसको दोहराएं अपने संविधान के प्रति कि हम अपने संविधान के जो बुनियादी असूल हैं उनको न कमजोर होने देंगे, ना उन पे चोट लगने देंगे, हम उनकी रक्षा करेंगे एक समर्पण की भावना से। वही राष्ट्रभक्ति है, वही देश के लिए हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।